गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सभी। मैं हूं अभी देहरादून रेलवे स्टेशन पर और यहां पर कुछ अपडेट्स एकदम से रातोंरात अपडेट्स आई हैं कि वंदे भारत जो पहले चलने वाली थी जून के पहले हफ्ते में, तो वही वंदे भारत अब 29 तारीख को चलेगी और 29 तारीख यानी कि 29 मई इसी महीने सोमवार को। ये अपडेट्स एकदम से कैसे आई है, इसमें काफ़ी पेच है, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत तेज़ी से हो रही है, बहुत ज़ोर शोर से हो रही है, लेकिन उसके एक अलग पहलू भी हैं। वो है कि जब आप कोई ट्रेन नहीं चला सकते लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती आप उस चीज़ को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल प्रेशर में। मैं भी आ गया और आपको अपडेट देता हूँ। सो बेसिकली क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं, वंदे भारत देहरादून से चलाने के बारे में पहले भी बातें हो रही थी, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल के जो कुछ ट्रायल्स हुए हैं, आपने शायद न्यूज़ में भी देखा होगा और जगह पढ़ा भी होगा, तो देहरादून स्टेशन पे इलेक्ट्रिक जो लोकोज हैं वो आते जाते ट्रिप हो जाते हैं। ट्रिप हो जाने का मतलब कई बार उनमें ट्रिपिंग की दिक्कत, रास्ते में बंद हो जाना, वायर्स सही से काम ना कर पाना, और मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर दिक्कत होती है लगभग हरिद्वार से देहरादून के बीच में। उसका कारण है कि यहाँ TSS नहीं है। TSS एक बड़ा पावर स्टेशन होता है, सब पावर स्टेशन होता है जो पूरी वायर्स को आगे वायर सप्लाई करने में मदद करता है। लेकिन अभी की मैं आपको अपडेट बताऊँ तो देहरादून में TSS ना होने की वजह से गाड़ियाँ ट्रिप हो जाती हैं, उसके बावजूद देहरादून में वंदे भारत चलाई जा रही है लेकिन बिना किसी सोचे कि अगर वंदे भारत बीच में कहीं ट्रिप हो जाती है, कुछ भी ऐसा इसमें दिक्कत बन जाती है तो उसमें सफ़र करने वाले यात्रियों का क्या होगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत रेलवे को सोचनी चाहिए लेकिन वो लोग नहीं सोच रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको देहरादून स्टेशन पर जाकर थोड़ी और तैयारियां दिखाऊं कि वंदे भारत की एक्चुअल में क्या तैयारी हो रही है। तो वंदे भारत के लिए मैं आपको बताऊं कि जैसे वंदे भारत के शेड्यूल्ड मेंटेनेंस के लिए कोई गाड़ी अगर देहरादून आएगी या फिर दिल्ली में भी खड़ी रहती है तो आप लोगों को मालूम होगा कि वंदे भारत इलेक्ट्रिक एक तरह से मेमू ही है, MEMU ही है, मैं तो उसको फैंसी मेमू कहूँगा। तो उसके लिए गाड़ी की धुलाई के लिए, कुछ भी मेंटेनेंस के लिए आपको वॉशिंग लाइन में जाना होगा, जो एक वॉशिंग लाइन डेडिकेटेड एक लाइन होती है गाड़ियों की धुलाई और मेंटेनेंस के लिए। वहाँ पर जाकर गाड़ियों की धुलाई होती है, कुछ भी उसमें दिक्कत होती है उसको देखा जाता है। तो देहरादून में जितनी भी वॉशिंग लाइन थी सारी अनइलेक्ट्रिफाइड थी, उसमें ऊपर बिजली के वायर्स नहीं थे। उसका कारण ये था कि जब गाड़ियों की धुलाई होती है, किसी भी तरह की AC की दिक्कत होती है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि क्रेन से डिब्बों को उठाना पड़ता है या फिर लोगों को, जो टेक्नीशियंस होते हैं उनको डिब्बों के ऊपर जाना पड़ता है, तो इसलिए अगर ऊपर वायर होती हैं तो उसमें दिक्कत आती है। तो इसलिए अब देहरादून पे क्या है कि देहरादून पे वंदे भारत चलाने के लिए अब ऊपर ओवरहेड वायर्स डाले जा रही हैं, जो हमारी वॉशिंग लाइन है देहरादून पर उस पर ओवरहेड वायर्स डाले जा रही हैं। ये अगर आप देख सकते होंगे, आप ऊपर जो ट्रैक के ऊपर वो जो वायर्स हैं आप उनको देखते रहिएगा मेरे साथ में। अभी जो वायर्स हैं ये तो यहाँ पर नॉर्मल वायर्स एज यूजुअल होती ही हैं, अभी आप मेरे साथ देखते चलेंगे तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। वो है दो नए कोचेस, लुधियाना WDM3 है, मेरे राइट हैंड साइड में खड़ी है मसूरी एक्सप्रेस दिल्ली से देहरादून, और ये अगर आप देख सकते हैं तो इधर एक नंदा देवी है, उधर सूबेदारगंज देहरादून खड़ी है वॉशिंग लाइन में। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं
अभी मैं वॉशिंग लाइन के बिल्कुल साइड में हूँ और यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर ये वायर्स इधर साइड में आके इन्होंने बंद कर दिया है, सो दैट जो हमारे टेक्नीशियंस हैं भारतीय रेल के, वो एसी कोचेस की अगर ऊपर कुछ दिक्कत आती है तो उसके ऊपर चढ़कर उसको सॉल्व कर पाएँ, या फिर धुलाई में कभी कुछ दिक्कत आती है तो आराम से फिजिबिलिटी के साथ धुलाई वो कर लें। लेकिन यहाँ ये देखिए, अब इन लोगों ने वंदे भारत के लिए, ख़ास तौर पे एक वंदे भारत के लिए वॉशिंग लाइन को भी इलेक्ट्रिफाई करना शुरू कर दिया है। तो एज एक्सपेक्टेड 29 तारीख से वंदे भारत यहाँ पर शुरू हो रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंदे भारत को शुरू किया जाएगा। तो दिल्ली से देहरादून या फिर आनंद विहार से देहरादून वंदे भारत जब शुरू होने वाली है तो उस हिसाब से ही ट्रेनों को तैयार किया जा रहा है, उस हिसाब से ही प्लेटफॉर्म्स देहरादून स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन जो भी अब पुराने काम चल रहे थे वो फटाफट से पूरे किए जा रहे हैं और यहाँ पर लगातार ये काम है। इससे पहले OMS ट्रायल्स हैं 110 किलोमीटर प्रति घंटा के, 19 तारीख मतलब कुछ ऐसे ट्रायल्स भी देखे जा रहे हैं ताकि वंदे भारत जैसे चलेगी उस हिसाब से यहाँ पर दिक्कतों को कुछ जायज़ा लिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर मैं तो ये कहूँगा कि दिक्कतें नहीं, वो तो सिर्फ ये टेस्ट करना चाहते हैं कि इसका क्या टाइम टेबल रहेगा, क्या इसमें चीज़ें रहेंगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ये देखिए, ये मसूरी एक्सप्रेस और इसके डिब्बों की हालत अगर आप देखेंगे तो डिब्बों के बीच बीच में ये जो छोटे छोटे टुकड़े लगे हुए हैं, इतनी बुरी हालत में 2008 का ये डिब्बा है बना हुआ, जनरल डिब्बा है लेकिन इतनी बुरी हालत में है कि इसको जगह जगह से काट के मेंटेनेंस किया हुआ है। और ये डिब्बा लगभग आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग साइड में से गलने की कगार पर था। इसको बार बार अलग अलग तरीके से मेंटेन किया हुआ है, न जाने कैसे। ठीक है, तो ये है देहरादून में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की अभी तैयारी। 27 और 28 तारीख को यहाँ पर अधिकारियों का दौरा रहेगा। 19 तारीख को यहाँ पर देहरादून से हरिद्वार के बीच में OMS ट्रायल्स होंगे और वो OMS ट्रायल्स फिर आगे डिसाइड करेंगे कि क्या गाड़ी का टाइम टेबल रहेगा। लेकिन भारतीय रेल को इस बारे में भी सोचना चाहिए कि गाड़ियों का टाइम टेबल डिसाइड करने से पहले आप ये भी देखिए कि वंदे भारत चलाने में दिक्कत कहाँ आने वाली है। अगर दिक्कत नहीं आएंगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से देहरादून में बिजली के इंजन के रिकॉर्ड के हिसाब से देहरादून में बहुत सी दिक्कत आई है और वो उनको दूर करनी चाहिए। वो अगर आप देख सकते हैं तो दूर ट्रैक पर लोग लगे हुए हैं क्योंकि अब यहाँ पर अधिकारियों का सिलसिला चालू होगा क्योंकि उत्तराखंड को पहली वंदे भारत मिलने वाली है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अब तैयारी भी शुरू हो चुकी है। चलिए मिलते हैं आगे, अभी सभी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।